Olympica Association! Hai, hai! Gerke Olympica Association! Hai, hai! Gerke Olympica Association! Association! Hai, hai! We want justice! We want justice! We want justice! Sandok! Etherat! Sandok! Etherat! Sandok! Etherat! We want justice! We want justice! आज जे एन के टैकोंडो एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है जे एन के ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ, क्योंकि जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने बिना किसी नोटिस के आज जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन को डिस्क्वालीफाई कर दी अपनी जो लिस्ट जो उन्होंने निकाली थी। आज हमारा विरोध है क्योंकि जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन ने पिछले 30-35 साल से 1986 से बखूबी से अपना काम कर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन के बैनर के नीचे बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी निकल चुके हैं। वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही थी और राज्य को बहुत ज़्यादा पदक दे रही थी, चाहे राज्य को हो चाहे पूरे भारत वर्ष की हो। आज हमारी आपके मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से यही मांग है कि इस मसले में इंटरवीन करें और जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन ने जो नापाक हरकत की है इस पे जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें और जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, क्योंकि कुछ खिलाड़ी इसके नीचे अभी आने वाले कई कंपटीशनों में खेलना है, चाहे सीनियर नेशनल हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशंस हैं उनमें खिलाड़ियों ने खेलना है, और उनकी इस नापाक हरकत की वजह से उनका मनोबल भी गिरा हुआ है और उनके परफॉर्मेंस में भी कटौती आ रही है। हम इस मीडिया से मांग करते हैं और इसी मीडिया के मांग से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी मांग करते हैं जल्द से जल्द इस मसले में इंटरवीन करें। अगर ये करने में असंभव रहते हैं, जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन इससे भी कड़ा प्रदर्शन करेगी और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। 14 से मैं टैकोंडो खेलते आ रही हूँ, मेरे सीनियर भी तब से खेलते आ रहे हैं। जब से मैंने टैकोंडो ज्वाइन किया तब से मैंने जे एन के टैकोंडो एसोसिएशन का भी नाम सुना है, और हमने उसी के ही अंदर हमने आज तक जितने भी इंटरनेशनल खेले हैं सिर्फ उसी जम्मू एंड कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन के अंडर खेला है, और हमने मेडल ला के दिया है। तो हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर टैकोंडो एसोसिएशन के कोच हैं जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगाते हैं जो नेशनल जाने से पहले, उनके कैंप लगाने के बदौलत हमने नेशनल और इंटरनेशनल से मेडल ला के दिखाए हैं। देखिए, अब आज रिसेंटली न्यूज सुना है कि कोई दूसरा एसोसिएशन बन गया। अगर हम जो है इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं और हमें सुनने में आया है कि यहाँ से और कोई एसोसिएशन बनी है, तो हम करें क्या? अगर हम इसमें देखिए हम इंटरनेशनल की तैयारी करें कि इनके लिए लड़ते रहें, हमारा फ्यूचर बर्बाद ना करें। अगर हम आप लोग हमारा फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं, जेएनके ओलंपिक एसोसिएशन हमारा फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं, तो सीधे आपके हमारे मुंह पे बोले, ऐसे फेक एसोसिएशन बना के हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, जिसमें मैं अतुल गंगोत्रा सर के अंडर में ट्रेनिंग कर रही हूँ। अब हम करें क्या? हम ट्रेनिंग पे जोर दें कि हम ये फेक एसोसिएशन के पीछे भागे, हम करें कि हमारा फ्यूचर कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फ्यूचर बर्बाद ना करें और प्लीज़ हमारे जो एसोसिएशन है इनको सपोर्ट करें, और हम ताकि हम भी आगे इंडिया के लिए मेडल लाएं और हमारी स्टेट के लिए। Justice! We want justice! We want justice!